Hi friends, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to my video. Today's topic is health. Can we name it to support? When we help others, help means not only in terms of money, but also in terms of time, energy, your ideas, suggestions. It gives feeling of satisfaction. It makes us happier. कोई हमसे अगर हेल्प मांगता है तो वो हमें बर्डन नहीं लगता है, हम खुशी खुशी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. बट व्हेन वी नीड सपोर्ट, वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, व्हाई वी फाइंड इट सो हार्ड, सो डिफिकल्ट? यू नो फ्रेंड्स, जब हमें किसी से हेल्प मांगनी होती है तो पहले कौन सा विचार आता है? पहले तो रिजेक्शन का डर है. अगर उन्होंने ना बोल दिया तो फिर ऐसा लगता है हम नीडी दिखेंगे, लोग क्या सोचेंगे. फिर हम अनइजी और गिल्टी फील करते हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, वो लोग क्या सोचेंगे, हमने उनसे हेल्प मांगी, ये हमें परेशान करता है. देन हमें ऐसा भी लगता है कि हम सेल्फिश लगेंगे, हम डिमांडिंग लगेंगे, लोग हम पे हंसेंगे कि ये ले, खुद से नहीं कर पाए. फिर कई बार हम ऐसा सोचते हैं दैट वी आर कैपेबल, वी आर इंडिपेंडेंट, हम बड़े हो चुके हैं, स्टिल वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स. हमें खुद को ही ऑकवर्ड लगता है. माय डियर फ्रेंड्स, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, बट इट्स साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस. ये चीज़ ये बताती है कि आपको जो भी काम दिया गया है वो आप पूरा करेंगे, विथ हेल्प और विदाउट हेल्प, बट विथ हेल्प आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. हमें बचपन से सिखाया गया है स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के काम खुद करो. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर खुद अकेले स्ट्रगल करना, किसी से हेल्प ना मांगना, वो भी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सैडनेस लाएगी, डिप्रेशन लाएगी, और आइसोलेशन में रह के आपका दिमाग भी घूम जाएगा. कई बार क्या होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आ जाती है और हम बैलेंस नहीं कर पाते. ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, सभी जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं. फिर क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन लाता है, स्ट्रेस लाता है, हमें गुस्सा दिलाता है, और फिर एक दिन हम वॉल्केनो की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, है ना. इस सिचुएशंस में आप हेल्प मांगिए, बिंदास, खुद को नीचा मत समझिए, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प, सपोर्ट. देयर इज वन पॉइंट आई वांट टू टेल यू, जो लोग दिखावा करते हैं और जो लोग गिनवाते हैं कि हाँ मैंने हेल्प की तुझे, उन लोगों से कभी भी हेल्प मत लेना, उनसे दूर रहिए. जो लोग आपके अपने हैं, सम फ्रेंड्स, सम फैमिली मेम्बर्स, उनसे आप बिंदास, बिना शर्म के हेल्प मांगिएगा. अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं तो डोंट फील सॉरी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आस्क फॉर दी हेल्प. बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, आपको कौन सी हेल्प चाहिए, आप क्लियर रहिए. फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन अच्छा रहेगा, मैसेज या ईमेल आप नहीं करोगे तो ही बेटर रहेगा. प्लीज़ कॉन्स्टेंट फॉलोअप मत करिएगा, वो सोचेगा अरे यार, एक तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, उस पर तू मेरा फॉलोअप ले रहा है, वो तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे. सो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड रखिए, फॉलोअप मत कीजिए. सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. जस्ट रिमेंबर, वर्ल्ड नीड्स यू, बट समटाइम्स यू नीड द वर्ल्ड.